अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वादिष्ट खाना में। और आज मैं बनाने वाली हूँ बंगाल की फेमस स्ट्रीट फूड आलू चॉप, जो कि अंदर से बिल्कुल चटपटा और बाहर से क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और आप इसे चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आलू चॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लेना है एक कढ़ाई, और उसके अंदर हमें डाल देना है छोटे चम्मच से 3 चम्मच तेल। और तेल को हमने अच्छे से गरम कर लेना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो छोटे चम्मच से ही हमने आधा चम्मच साबुत धनिया और आधा चम्मच साबुत जीरा उसके अंदर डाल देना है तेल के अंदर। और इसको हमने 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेना है ताकि ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इसके अंदर। जब ये दोनों चटकने लग जाएगा तब इसके अंदर हमने डाल देना है ग्रीन चिली और गार्लिक का पेस्ट, जिसको मैंने मिक्सी में हल्का सा दरदरा पीस के ले लिया है, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। और वो जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर वो ऐड करना। मैं यहाँ पे 3 से 4 छोटे चम्मच डाल रही हूँ। और इसको भी हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और यहाँ लहसुन और हरी मिर्च भी अच्छे से भून चुका है। अब इसके अंदर हमने कुछ सूखे मसाले ऐड कर देने हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के हमने चाट मसाला ले लिया है, मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले लिया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया है। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल देना है। और ये सारे मसाले डालने के बाद इसको हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से हमने इसको भून लेना है। और ये मसाले भूनने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है उबले हुए आलू, जिसको मैंने आलू को उबाल के इसका छिलका निकाल के इसको अच्छे से मैश करके ले लिया है, वो इसके अंदर डाल देना है। और मसाले के अंदर इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो यहाँ हमारा आलू अच्छे से भुन चुका है, अब इसको हमने एक बोल में निकाल लेना है। अब हमने ले लेना है एक बोल बैटर तैयार करने के लिए। उसके अंदर हमने डाल देना है बेसन, जितना भी आपको आलू चॉप बनाना है उस हिसाब से। और इसके अंदर अब हमने डाल देना है मैदा। मैदा डालने से ही जो आलू चॉप बनता है वो बाहर से क्रिस्पी बनता है। तो यहाँ पर मैंने 3 छोटे चम्मच मैदा डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, इससे जो आलू चॉप का कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो पहले इन सब चीज़ों को डाल के हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पहले इसको फेंटना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना रहे। और इसको अच्छे से फेंटने के बाद में हमने बैटर को ज़्यादा पतला नहीं रखना है, हल्का सा गाढ़ा रखना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको फेंट लिया है, हमारा जो बैटर है हल्का सा गाढ़ा है। अब इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है और इसको हल्का सा पतला और कर लेना है। तो यहाँ देखिए जो हमारा बैटर है वो बनकर रेडी है। ये देखिए हमें बैटर को ऐसे ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। अब हमने बैटर को साइड में रख लेना है। और जो हमने आलू को भून के रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो उसको हमने एक बार अच्छे से मैश करके ले लेना है। और इसकी हमने छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है, जैसे आलू की टिक्की बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेनी है। फिर हमने बैटर के अंदर इसको डिप करके इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए हमारी जो टिक्की है वो बनकर तैयार है। ऐसे ही हमने सारी टिक्कियों को बनाकर ले लेना है। और यहाँ हमारी सारी टिक्की बनकर तैयार है। अब इसको हमने रख देना है साइड में और ले लेना है बैटर। और बैटर को हमने एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि बैटर रख देने से ऊपर का जो हिस्सा होता है वो पतला हो जाता है और नीचे का गाढ़ा हो जाता है। तो इसको एक बार फेंट जरूर ले। उसके बाद जो हमने टिक्की बना के रखी थी उसको हमने बैटर के अंदर डाल देना है। उसको अच्छे से पूरे चारों तरफ बैटर लगा देना है और चम्मच की मदद से हमने उसको निकाल के तेल के अंदर डाल देना है। और यहाँ पे मैंने तेल को अच्छे से चेक कर लिया है कि गर्म है कि नहीं, और जो हमारा तेल है वो भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो एक एक करके हमने सारी टिक्कियों को इसके अंदर डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है। तेल पहले अच्छे से गर्म कर लेना, फिर फ्लेम को मीडियम कर देना और फिर आप आलू चॉप को फ्राई करना, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक करके सारी चॉप को हमने तेल के अंदर डाल देना है। यहाँ देखिए मैंने सारे चॉप को तेल के अंदर डाल दिया है। और एक साइड से हमने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई होने देना है। इसके अंदर ना मैंने सोडा डाला है ना बेकिंग पाउडर डाला है, ये बिल्कुल बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के ही ये फूला फूला और क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो इसको एक बार ऐसे बना के ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब मैं इसको पलट के दूसरी साइड से फ्राई कर रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड से भी बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाए। यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर आ गया इसके ऊपर। और दूसरी साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। और यहाँ देखिए जो हमारे आलू चॉप अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हमने तेल से बाहर निकाल लेना है।
और ऐसे ही हमने सारे आलू चॉप को फ्राई करके ले लेना है। ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर इस तरीके से ट्राई ज़रूर करना। ये देखिए कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। आलू चॉप की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसे एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही चटपटा और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।